हेलो एवरीवन, आज की क्लास में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में देखेंगे। जो पहले मैंने आपको क्लास ली थी उसमें मैंने आपको SCR, डायोड, ट्रायड, MOSFET, अल्फा बीटा क्या होते हैं, अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में आपको बताया था। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो किसी सिग्नल की करंट, वोल्टेज और पावर में वृद्धि करके अधिक आउटपुट प्रदान करे एम्पलीफायर कहलाता है। एम्पलीफायर क्या होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो किसी सिग्नल की, चाहे करंट हो या वोल्टेज हो या पावर हो, उसमें वृद्धि कर देता है और आउटपुट के रूप में हमें अधिक आउटपुट प्रदान करता है, उसे एम्पलीफायर कहते हैं। अब अपना है एम्पलीफायर का वर्गीकरण, एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार करते हैं। एम्पलीफायर के क्लासिफिकेशन को सबसे पहला है आउटपुट के आधार पर। आउटपुट के आधार पर यह तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा होता है करंट एम्पलीफायर और तीसरा होगा पावर एम्पलीफायर। दूसरा है संयोजन शैली के आधार पर। इसमें क्या होगा? एक होगा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, दूसरा होगा कॉमन बेस एम्पलीफायर और तीसरा होगा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तीसरा है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के आधार पर जो एम्पलीफायर होता है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, दूसरा है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, तीसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और चौथा इसका जो भाग होगा उसे बोलेंगे अति उच्च एवं परा उच्च एम्पलीफायर। अगला इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है कपलिंग के आधार पर। RC कपल्ड एम्पलीफायर, इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। पांचवा जो इसका वर्गीकरण है फीडबैक के आधार पर है। पहला है वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, दूसरा है करंट फीडबैक एम्पलीफायर, इसका छठा है बायसिंग के आधार पर। श्रेणी ए एम्पलीफायर, श्रेणी बी एम्पलीफायर, श्रेणी ए बी एम्पलीफायर और श्रेणी सी एम्पलीफायर। सातवा है इनपुट के आधार पर। पहला है लघु सिग्नल एम्पलीफायर और दूसरा है वृहत सिंगल एम्पलीफायर, सिग्नल होगा सॉरी वृहत सिग्नल एम्पलीफायर। तो ये मैंने आपको ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर क्या होता है और एम्पलीफायर के वर्गीकरण क्या होता है ये आपको अभी बताया है। आपको केवल की क्लासिफिकेशन को याद रखना है क्योंकि इतना डिटेल में आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं। केवल आपको उनकी क्लासिफिकेशन को आपको याद रखना है कि एम्पलीफायर के क्लासिफिकेशन को किस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट है अपना ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप को CRO भी बोलते हैं और इसकी एग्जाम में CRO की फुल फॉर्म आपको पूछते हैं कि CRO की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होगी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब ये होता क्या है? यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जिसके द्वारा DC या AC विद्युत राशियों की जो तरंग आकृति होती है, इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो हम पर्दे के ऊपर स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसे ऑसिलोस्कोप या CRO कहते हैं। नेक्स्ट अपन आज देखेंगे क्लास के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्या होगा तो नेक्स्ट क्लास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अभी देखते हैं। अब है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले हमने अभी एम्पलीफायर के बारे में देखा है, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स की दो शाखाएं होती है वर्तमान में, एक होती है एनालॉग और दूसरी कौन सी होती है? डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल के अंदर पहले अपन इसका डिफरेंस देखते हैं कि एनालॉग क्या होती है और डिजिटल क्या होती है। तो पहले अपन एनालॉग देखते हैं। इसमें क्या होता है? स्केल बनी होती है जिसमें क्या होती है, एक सुई या संकेतक होता है, वह घूमता रहता है और रीडिंग को उस संकेतक के आधार पर उस रीडिंग को अपन नोट करते हैं और
इसमें एनालॉग जो मीटर होते हैं, उस मीटर में क्या होता है कि जब भी अपन रीडिंग को नोट करेंगे या पाठ्यांक को लेंगे, उस समय त्रुटि की यानी उसमें कुछ दोष हो सकता है उसको अपने रीडिंग लेते समय, तो इसमें जो रीडिंग लेते हैं या पाठ्यांक नोट करते हैं उस समय कभी कभी उसके अंदर त्रुटि भी हो सकती है। ये किसमें होगी? एनालॉग प्रकार के जो मीटर होते हैं उसमें। और दूसरा कौन सा होता है? डिजिटल। डिजिटल क्या है कि आजकल जो भी जैसे अपने मल्टीमीटर वगैरह अपने देखे हैं, मल्टीमीटर क्या है? एक डिजिटल है। उसमें क्या होता है? अंकों के आधार पर उसमें अपन गणना करते हैं और अंक के आधार पर उसमें से अपन मीटर में से रीडिंग को नोट करते हैं, जिससे हर किसी को भी रीडिंग लेने में क्या हो जाती है, आसानी से उसको समझ में भी आ जाती है और रीडिंग को नोट करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये डिजिटल जो डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं? आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, इनको अपन डिजिटल मीटर के अंतर्गत लेते हैं। इसमें क्या होगा? कोई भी प्रकार की कोई स्केल या कोई भी प्रकार का कोई संकेतक बना हुआ नहीं होता है, इसमें केवल अंक ही आते हैं। उन अंकों के द्वारा रीडिंग को अपन नोट कर सकते हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत कुछ नंबर सिस्टम्स भी होते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली को देख रहे हैं अपन। इसमें क्या होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर चार प्रकार के नंबर सिस्टम होती है उसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है या जो आधार होता है उस सिस्टम में प्रयोग होने वाले कैरेक्टर की संख्या को दर्शाता है। सामान्यतः जो नंबर सिस्टम होती है वह चार प्रकार के मुख्य रूप से प्रचलित होती है। पहला कौन सा होता है? डेसिमल या इसे दशमलव नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा कौन सा होगा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहले देखते हैं अपन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल में क्या होता है? यह नंबर सिस्टम होता है वह सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? 10 अंक मान्य होते हैं और वो 10 अंक कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी इसके अंदर 10 अंक मान्य होते हैं। और डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है इसका जो आधार या बेस होता है वह क्या होगा? 10 होगा। एक बार वापस बता देती हूँ कि डेसिमल या दशमलव नंबर सिस्टम होता है, इस सिस्टम का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है और इसमें 10 अंक होते हैं वह मान्य होते हैं। और वह 10 अंक कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0 से लेके 9 तक, ये टोटल 10 अंक हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसका बेस कितना होता है? 10 होता है। तो यदि आपको पूछे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या इसका आधार कितना होता है तो इसका उत्तर क्या होगा? 10 होगा। और इसमें कितने अंक मान्य होते हैं? तो कितने अंक मान्य होंगे उसके अंदर? 10। दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसका बेस कितना होगा? 2 होगा। इनके सभी नंबर सिस्टम के बेस आपको याद रखने हैं। तो बाइनरी का बेस कितना होगा? 2 होगा। और बेस को रेडिक्स भी कहते हैं। कहीं कहीं रेडिक्स लिखा होगा तो इसका मतलब भी क्या होगा? इसका मतलब उसमें बेस को बोलेंगे। और इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 2 अंक मान्य होते हैं और वो 2 अंक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 0 और एक होगा 1। तीसरा है ऑक्टल प्रणाली या ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब जैसे अपने को नाम से पता चल रहा है कि इसका बेस कितना होगा? 8 होगा। और इसमें अंक कितने होंगे मान्य? 8 अंक मान्य होंगे। और वो अंक कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल प्रणाली। इसका बेस क्या होगा? 16। इनके बेस को आप याद रखना है कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा? 16। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। बाइनरी का बेस कितना होगा? 2। डेसिमल बोलो चाहे दशमलव बोलो, इसका बेस कितना होता है? 10। वापस अपन हेक्साडेसिमल के ऊपर आ जाते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर इसका बेस कितना होगा? 16। और इसमें 16 अंक मान्य होते हैं और वो 16 अंक कौन कौन से होते हैं?
जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। और यहाँ पर भी क्या होगा, जो 10 होगा उसे ए बोलेंगे, जो 11 अंक होगा उसके स्थान पर बी लिखा जाएगा, और 10, 11, ये 12, 12 का मतलब सी, 13 का मतलब डी, 14 का मतलब ई और 15 का मतलब एफ। तो इसके अंदर 9 तक तो डिजिट सेम रहेगी, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 वहां पे ए बी सी डी और ई और एफ का प्रयोग किया जाता है। तो आज मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि इसमें नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, डिजिटल क्या होता है, एनालॉग मीटर क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके कन्वर्जन को पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम को, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाएगा। तो आज की जो मैंने आपको वीडियो बताई है उसको आप ढंग से समझें और उसको देखें। थैंक यू।